पूर्व मंत्री व कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सुधीर शर्मा ने कहा कि नगर निगम चुनावों में भाजपा को धर्मशाला की अनदेखी का हिसाब देना होगा। नगर निगम चुनावों से ठीक पहले धर्मशाला विधानसभा को जो करोड़ों की सौगात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दी है, उस सौगात की याद अभी ही क्यों आई? ठीक चुनावों से पहले ऐसा क्या हो गया जो धर्मशाला पर भाजपा सरकार इतनी मेहरबान हो रही है? धर्मशाला स्मार्ट सिटी और धर्मशाला नगर निगम कांग्रेस सरकार की देन है। 2017 के बाद धर्मशाला में विकास की गंगा क्यों उल्टी बहने लगी? भाजपा के एक कैबिनेट मंत्री भी यहीं से थे, तब ये सौगात और घोषणाओं का पिटारा कहां गुम हो गया था? भाजपा सरकार का तो हाल थोथा चना बाजे गना जैसा है। नगर निगम चुनावों से पहले धर्मशाला पर इस तरह प्यार बरसाने का कारण जनता समझती है। धर्मशाला विधानसभा और नगर निगम में जो भी विकास कार्य हुए हैं या चल रहे हैं, वो कांग्रेस सरकार की देन है। धर्मशाला विधानसभा के लिए भाजपा सरकार का रवैया शुरू से ही उदासीन रहा है। सरकार बनने के 3 वर्ष पूरे हो जाने पर भी हिमाचल सरकार ने कभी भी धर्मशाला के विकास की तरफ ध्यान नहीं दिया। उल्टे जो विकास कार्य चल रहे थे, वो भी अब अदर में झूल रहे हैं। जो विकास की लहर कांग्रेस ने 2012 से 2017 के बीच में क्षेत्र के लिए लाई, उसका ही परिणाम है। आज सबके सामने पक्की सड़कें, स्मार्ट सिटी, नगर निगम, ओपन जिम, फुटपाथ, पार्क, सुचारू बिजली व्यवस्था, स्ट्रीट लाइटें, पार्किंग, कई उठाऊ पेयजल योजनाओं को अमली जामा पहनाया गया। ये कांग्रेस सरकार की ही देन है जो धर्मशाला विकास के नए आयाम स्थापित कर पा रहा था। भाजपा सरकार आते ही क्षेत्र के विकास कार्यों को ठंडे बस्ते में बंद कर दिया गया और धर्मशाला मात्र भाजपा के बड़े नेताओं को खुश करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन स्थल बनकर रह गया है। जहां एक तरफ सरकार का कर्तव्य क्षेत्र का विकास और जनता की समस्याओं का निदान करना होना चाहिए, वहीं सरकार ने धर्मशाला को संगठनात्मक आयोजनों की कर्म भूमि बना झूठे विकास की उपलब्धियों का चोला पहनाना आरंभ कर दिया। चुनावों के आते ही घोषणाओं का पिटारा खोलना जयराम सरकार के लिए नई बात नहीं है, ये तो भाजपा की प्रथा को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे इनकी केंद्र सरकार करती है, जहां चुनाव घोषित होते हैं, चाहे वो विधानसभा के हों, पंचायत या निकाय चुनाव हों, घोषणाओं का ढोल बजाना इस सरकार की पुरानी आदत है। कांग्रेस के करवाए कार्यों का श्रेय लेना भाजपा की पुरानी आदत है। आज भी धर्मशाला में जाकर अगर आम जनता से विकास के बारे में पूछा जाए तो नाम सिर्फ कांग्रेस कहेगा। धर्मशाला की जनता शिक्षित है, उनको पता है कि नगर निगम किसकी देन है, इसलिए इन निकाय चुनावों में जनता जयराम सरकार को आईना जरूर दिखाएगी। और अभी विधानसभा चुनावों को लगभग 1 वर्ष से अधिक का समय है, देखते हैं ये सौगात कब तक फलीभूत होती है। उन्होंने कहा कि सरकार को दूसरी राजधानी, केंद्रीय विश्वविद्यालय, आईटी पार्क, प्रदेश फुटबॉल अकेडमी और धर्मशाला बस टर्मिनल बारे अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। हाल ही में जो माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने धर्मशाला नगर निगम के अंदर स्मार्ट सिटी के अंतर्गत कुछ प्रोजेक्टों के शिलान्यास किए हैं और ये घोषणा की कि जल्द ही ये सारी योजनाएं धरातल पर उतरेंगी, 3 वर्ष वर्तमान सरकार को हुए हैं। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जो है, इसको पूर्व कांग्रेस सरकार ने प्रस्तावित किया था। ये सारी योजनाएं उस समय की हैं। प्रदेश सरकार की तरफ से पैसा न आने के कारण पिछले 3 वर्षों से अधर में लटकी हुई सारी योजनाएं हैं और कोई भी नया काम जो है वो धर्मशाला नगर निगम के अंदर नहीं हुआ है। उपेक्षा का शिकार जो है ये नगर निगम रहा है। अब क्योंकि चुनावों की पूर्व संध्या है, कभी भी जो है वो आचार संहिता लग सकती है, तो इस तरह की एक धारणा बनाने का प्रयास है, लोगों को बरगलाने का प्रयास है, लेकिन धर्मशाला की जनता पढ़ी लिखी है और जल्द ही जब चुनाव होंगे, उनके परिणाम आएंगे, तो वस्तुस्थिति जो है वो सामने आएगी। आज हम ये जानना चाहते हैं कि दूसरी राजधानी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार का क्या कहना है, केंद्रीय विश्वविद्यालय की वर्तमान स्थिति क्या है, आईटी पार्क जो प्रस्तावित था धर्मशाला में उसका क्या बना, प्रदेश स्तर की फुटबॉल अकेडमी जो धर्मशाला के लिए बजटेड की गई थी, पैसा भी आ गया था, उसका काम क्यों आरंभ नहीं हो रहा है, और साथ ही साथ जो धर्मशाला का बस टर्मिनल है उसका काम क्यों बंद पड़ा है। ऐसी अनेक योजनाएं हैं, तो समय आने पर हर एक चीज का हिसाब जो है वो मांगा जाएगा। न केवल मैं बल्कि धर्मशाला नगर निगम का हर मतदाता इस प्रश्न को भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछेगा।